तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राम राम खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज थोड़ी सी तो तबीयत ख़राब है, पर संडे है तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते 11 से लेकर 23 तक होने वाली है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। हो सकता है 2 हफ्ते मुझे टाइम नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो आज एक मतलब जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उस पर कमेंट आया था, आप सोच रहे हो मेरी सांस क्यों फूल रही है, क्योंकि मैंने बैक टू बैक 2 वीडियो शूट किए हैं। एक वीडियो मैंने बना लिया, फिर मैं नीचे जाके आई, फिर मैं जल्दी से ऊपर आई हूँ पानी पी के, दूसरा वीडियो शूट करी हूँ, इसलिए वो वीडियो आपको इससे बाद में मिलेगा। शुरू करते हैं। अनुज वर्मा @ अनुज वर्मा नाम से एक आइडिया, उनका कमेंट है, मैम इतना बता दीजिए कि पढ़ने बैठते हैं बट ज़्यादा देर तक स्टडी कर नहीं पाते, मन भी बहुत करता है पर याद नहीं रहता, कन्फ्यूज रहता है माइंड, तो कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे लंबे टाइम तक स्टडी करें। तो अनुज वर्मा जी का ये कमेंट था, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो टॉपिक है ये लेना चाहिए हमें वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम सोच तो लेते हैं, हम ठान तो लेते हैं कि हाँ यार आज से मैं बहुत पढ़ाई करने वाला हूँ और मैं अब 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार पढ़ूंगा, लाइब्रेरी जाऊंगा, लेकिन हम 1 दिन 2 दिन जाते हैं और फिर हम जा नहीं पाते हैं, फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ क्या, फिर हम बहक जाते हैं या फिर कि यार कौन ही जाएगा, बहुत ठंड है वहाँ पर, बहुत ठंड लगती है, नहीं बैठा जाएगा यार, है ना, ऐसे सोच के हम वो प्लान को छोड़ देते हैं कि यार मैं तो नहीं पढ़ सकता, भाड़ में जाए, फिर हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, फिर हम मोटिवेट होते हैं, ये सब चलता रहता है ना। तो इसी पे कि मैं अपनी तरफ से आज 5 ऐसे मुद्दे लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप ढंग से मतलब अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो, 6-7 घंटे की फोकस्ड स्टडी कर सकते हो। आपने मान लो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, ठान भी लिया, लक्ष्य भी बना लिया और अब जानने भी लगे, लेकिन फिर भी आपका वहाँ मन नहीं लग रहा, फिर भी आप 1-2 घंटे में ही बोर हो जाते हो, फिर उठ के आ जाते हो, या फिर 1-2 दिन में बोर हो जाते हो उठ के आ जाते हो, तो मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जो मैंने फॉलो करी थी अपनी पढ़ाई के दौरान, और वो मैं आपको बताऊँगी, वो बहुत ज़रूरी है, पढ़ने का तरीका के अलावा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमें अपनाई जानी चाहिए पढ़ते टाइम, ताकि हम अच्छे से 6 और 7 घंटे की स्टडी कर पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको दोस्तों पसंद आएगा। उससे पहले अभी याद आ गया, आज इंस्टाग्राम आईडी है वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से, उसको फॉलो कर लो, उस पर मैं बहुत सारे स्कूल के और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो वहाँ पे तो। और रही बात 10,000 फॉलोवर करवा दो, 15 से 16,000 ही हुए एक हफ्ते के बीच में, सिर्फ 1,000 फॉलोवर्स बढ़े हैं, 10,000 नहीं 20,000 करवा दो यार, बहुत दिन हो गए है ना। तो प्लीज़ 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 वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं मेरे और थोड़े इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, थोड़े लाइफ के लिए उपयोगी लगते हैं, तो अपने साथी लोगों से या घर वालों के उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब मैं देखो आपको 5 वो तरीके बताऊंगी जो मैंने फॉलो किए थे, है ना, कि कैसे हम लगातार 6-7 घंटे तक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। मैं भी लगभग 7 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी। सबसे पहले तो पहला तरीका, आप अपने टारगेट जो है वो छोटे छोटे बनाएं, दिन में ये सोचकर नहीं, दिन दिमाग पे बर्डन ले ले कि यार मुझे तो ना तबीयत सही नहीं है भाई, थोड़ा फीवर से सो रहा है, कि ये सोच के बर्डन मत लेना कि यार मुझे तो ना 7 घंटे पढ़ना है और 7 घंटे पढ़ के ओ मैं तो सुबह जा रहा हूँ 7 घंटे तक तो वहीं बैठा रहना, ऐसे सोच के चलोगे तो नहीं हो पाएगी, है ना, ऐसे बिल्कुल भी सोच के मत चलो। अगर आपको 7 घंटे पढ़ना है तो आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि यार ठीक है 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटे के बाद में 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, ठीक है, ऐसे सोच के। और 1 घंटा हम 10 मिनट के रेस्ट के चाव के चक्कर में बहुत कंसंट्रेट तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप 7 घंटे वाला बर्डन बना लोगे कि ओ मुझे तो फर्स्ट ग्रेड पास करनी है और मुझे तो 20 किताबें पढ़नी है, तो वो नहीं हो पाएगा। एक एक किताब का टारगेट बनाओ ना, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, एक दिन में इतने पेजेस का टारगेट बनाओ कि यार लगभग मुझे एक दिन में 25 पेज हमारे इस नोट्स के करने हैं तो करने हैं, ठीक है। या फिर अपना पहले वो अगले टॉपिक में बताऊँगी, पहला मेरा बिंदु है
कि अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, एक एक घंटे का लक्ष्य रखो। देखो आपको एक लाइव मतलब मेरी लाइफ के रियल एग्जांपल से ही बताती हूँ। पिछली बार ना हम लोग वैष्णो देवी गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वैष्णो देवी की हम कटरा से लगभग 13.5 किलोमीटर 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, और चढ़ाई नहीं है वो, सिर्फ वो खड़ी चढ़ाई, एकदम पहाड़ पे चढ़ना। अपने राजस्थान में तो ऐसे पहाड़ है ही नहीं जैसे वहाँ चढ़ना पड़ता है ना। और वो जो भी लोग वैष्णो देवी गए हैं उस फोटो को देख के बहुत सारे लोग पहचान भी गए थे, वो लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किल है चढ़ाई। और मेरे लिए जो ज़िंदगी में 13 किलोमीटर वैसे ही पैदल नहीं चली कभी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो हम लोग ऐसे चल रहे थे ना, तो मेरे से भाई आधा किलोमीटर भी नहीं चला जा रहा था, मेरे बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब कि ना मैं बार बार हाँफ रही थी और मैं ऐसे कह रही थी रोहित नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, है ना। और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मतलब उसमें ना एक आधा दूरी तक जाके फिर हम मतलब या तो चौपर वगैरह कर सकते हैं, या फिर थोड़ा आधा दूरी तक जाके ऑटो वगैरह का भी है, अर्धकुंभेश्वरी तक जाके ऑटो वगैरह तक का भी है कि वहाँ से अपन को ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, आगे की चढ़ाई थोड़ी सरल हो जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे कि ठीक है यार चलो तो सही, कर लेंगे, थोड़ा तो चलो यार, थोड़ा तो चलो, मतलब माता क्या आए अपन ज़िंदगी में पहली बार, और ऐसे अपन चौपर से जाएंगे तो फिर क्या ही अपन को आशीर्वाद मिलेगा, तो थोड़ा तो चलने की कोशिश करो, देखो तुम प्राउड फील करोगे खुद पे। ऐसा कर करके थोड़ा थोड़ा चल रहे थे बट नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे था, एक तरफ सीढ़ियों का रास्ता, एक तरफ पहाड़ का रास्ता, तो उन्होंने कहा चलो सीढ़ियों से चलेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं यार सीढ़ियों से तो और भी बुरी पैर दुखेंगे, सीढ़ियों से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं टारगेट करके चलते हैं कि अपन को 100-100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उससे पहले नहीं रुकेगी तू। तो मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग टारगेट करके चलने लगे ना, 100-100-100-100, जैसे 500-500 सीढ़ियों के लगभग रास्ते थे, 500-600-300, 500-600-300, 100-100 करके चढ़ने लगे, तो वो टारगेट बड़ा आसान लगने लगा, है ना। और मतलब कब देखते ही देखते हम लोग पूरे रास्ते, मतलब उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि आधा रास्ते ऑटो से लेके चलूँगा, जब आधा रास्ते पहुँचे तो आगे का रास्ता बहुत आसान भी था, ऊपर की चढ़ाई थोड़ी सरल थी, रास्ता भी सही था। तो मैंने कहा नहीं यार अब यहाँ से ऑटो नहीं लेंगे, यहाँ से तो सीधे ही चलेंगे, तो पैदल ही चलेंगे। अब इतनी दूर आ गए तो थोड़ी सी दूर और सही, 5-7 किलोमीटर और बच रही थी। तो इस तरह से मैंने वो चढ़ाई पूरी की, है ना। तो जब हम छोटे छोटे टारगेट, जब हम 100-100 सीढ़ियों का टारगेट लेके चलने लगे, 100 सीढ़ियाँ चल रहे थे, फिर हम रेस्ट कर रहे थे हर एक जगह, मतलब वहाँ पे शॉप्स वगैरह खूब बनी हुई हैं, फिर हम बीच में चाय पी लेते, फिर मतलब 200-300 के बाद में कुछ खा लेते, फिर बीच में कोल्ड ड्रिंक या जूस पी लेते, ऐसे करते करते चल रहे थे। तो वो चढ़ाई पूरी हुई। आप सब लोगों ने भी फील किया होगा जब आप कहीं दूर गए होंगे ऐसे पैदल वाली चढ़ाई पे, ऐसे ही मतलब कि हमको करना है कि आप अपना ना फिक्स कर लो कि एक घंटे पढ़ना है, एक घंटे भी क्या मतलब 50 मिनट पढ़ना है, फिर मुझे 5 मिनट का या 10 मिनट का रेस्ट लेना है। मैं भी लाइब्रेरी में ऐसे ही करती थी, किस्तों में बटा हुआ था मेरा कि लगभग सुबह 8:30-9 बजे लाइब्रेरी पहुँचती थी, और मुझे ऐसा था कि 9 से शुरू का घंटा थोड़ा सा ज़्यादा रखते थे क्योंकि शुरू में दिमाग फ्रेश रहता है। 9 जैसे कि 8 बजे पहुंच गई, तो 8 से 10 तक पढ़ना है, 10 बजे चाय का ब्रेक लेना है, और ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का लेना है, 15 मिनट में वापस आ गए। फिर हमें 10:30 लगभग 10:15 से लेकर हमें 11:30 बजे तक लगभग पढ़ना है, फिर हम वॉशरूम जाके आएंगे, पानी की बोतल भर के लाएंगे, फिर वहाँ 11:30-12 बजे से लेकर हमें 1:15 बजे तक पढ़ना है, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम खाना खा के लगभग 2 बजे आते थे, फिर हमें कि 2 से 3:30 तक पढ़ना है, फिर हम चाय पीने जाएंगे, फिर 3:30 से हम 5 बजे तक पढ़ते थे, फिर हम वॉशरूम और एक बॉटल पानी की भर के लाते थे, फिर हमें 5 से 6:30 पढ़ना होता था। इस तरह से हमने टारगेट फिक्स कर रखे थे कि हर एक घंटे में 1-1.25 घंटे में उठना है, और उठ के हमें एक चक्कर काट के आना है, वॉशरूम जाया है, पानी पिया है, फिर अगले ब्रेक में चाय पी ली, फिर अगले ब्रेक में खाना, फिर वॉशरूम, फिर चाय, फिर ऐसे नाश्ता हल्का फुल्का ऐसे कर लेते थे हम। तो इस तरह से छोटे छोटे ब्रेक्स लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। छोटे छोटे टारगेट बना के, एक एक घंटे का टारगेट बना लो कि 50 मिनट पढ़ना है सिर्फ। 50 मिनट नहीं बैठ सकते आप, 50 मिनट तो बैठ सकते हो ना, बस उतना ही रखो 50 मिनट बैठना है, फिर दोस्त के साथ चले गए बाहर, 10 मिनट बाद भी करे आए, वॉशरूम जाए, बॉटल भर लाए, फ्रेश व्रेश हो गए, फिर आ जाओ यार नई ऊर्जा के साथ में, फिर ऐसा कि एक घंटे पढ़ना, इस बार चाय पियेंगे, इस बार 15 मिनट का रेस्ट है, उस रेस्ट का चाव चढ़ा रहता है कि हाँ यार 15 मिनट का रेस्ट मिलेगा, पढ़ ले, है ना, 50 मिनट पढ़ना है, पढ़ ले, है ना। इस तरह से पढ़ते थे। तो फर्स्ट चीज़ कि आप टुकड़ों में छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ो, एक साथ बर्डन मत बनाओ कि 7 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, पता नहीं कब चले जाएंगे 6 घंटे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है कि आपको कल क्या पढ़ना है, ये आप टाइम टेबल आज की रात ही सेट कर लें कि आज की रात आपको पता होना चाहिए कि कल आपको क्या पढ़ना है, दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए, है ना।
देखो, अगर आप टाइम टेबल सेट नहीं करोगे तो एक बुक पढ़ते 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 बोर हो गए, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ूं क्या। फिर आपका मन कर रहा था यार हिंदी पढ़ लेता, पर हिंदी की तो मैं किताब ही नहीं लाया। अरे यार करंट ही पढ़ लेता, पर करंट की तो मैं लाया ही नहीं। अरे यार वीडियो ही देख लेता, पर मैडम ने तो डेटा ऑन करने के लिए मना किया था, वीडियो तो नहीं देख सकता। तो मैं क्या करती थी कि फ़िक्स्ड होता था मेरा कि जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे वहाँ पे वीडियोस देखने हैं, वो मेरे फ़िक्स्ड होते थे कि इस टाइम से इस टाइम तक। अपने आप दो तीन, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में फ़िक्स रखो ना। मैं तो दिमाग में ही फ़िक्स रखती थी, अपने आप दो तीन दिन में वो लय बन जाती है। अब मेरा अगर आपको उदाहरण दे के बताऊँ तो मैं कैसे पढ़ती थी कि जैसे सुबह सुबह गई और सुबह सुबह मैं जाते ही करंट पढ़ती थी, पेपर नहीं पढ़ती थी। मैं कभी भी पेपर नहीं पढ़ती, आपको बताया है कि हिंदू सुनती थी, वो तो मैं हॉस्टल में ही सुन लेती थी, लाइब्रेरी में हिंदू सुन के टाइम पास नहीं करती थी। जाते ही मूमल उठाई और मूमल पढ़ी। जैसे कि मैं पहुंची हूँ 8:30 बजे या 8 बजे पहुंची हूँ, तो 8 से 8:30 या 8:40 तक मैंने मूमल के मैंने फ़िक्स कर रखे थे कि 10 पेज पढ़ने हैं मुझे, तो 10 पेज या तो मैं आधा घंटे में या मैं 35-40 मिनट में पढ़ लेती थी, और पीछे वालों का रिविज़न करना है, जो कल 10 पढ़े थे ना उनका रिविज़न करना है। मूमल पढ़ ली, अब 8 से 9 मान लो मैंने मूमल पढ़ ली है ना, 1 घंटा लग गया मान लो, 1 घंटा लगता नहीं था, 1.5 घंटा ही लगता था, पर पढ़ ली है ना। उसके बाद में शुरू, मैंने बोला ना शुरू में मैं जाते ही 2 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि शुरू सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो अच्छा पढ़ा जा सकता है। फिर मैं जैसे 9 से 10 सब्जेक्ट निकाल लिया मैंने, ज्योग्राफी पढ़ती थी, ज्योग्राफी के नोट्स ऑलरेडी तैयार थे, तैयार मतलब जिनसे मैं पढ़ती थी वो तैयार थे, शॉर्ट नोट्स मैं डेली बनाती थी। तो कि ज्योग्राफी निकाली तो ये नहीं है कि कल जहाँ छोड़ा उससे आगे पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। अब 9 से 10 का वो टाइम होगा कि कल जहाँ तक जितने पेजों के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ करना है, 9 से 10 तक पहले उनको रिवाइज़ करना है, फिर ही उठूँगी, चाहे 10:10 हो जाओ, चाहे 10 बजने में 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाओ, उनको रिवाइज़ करने का टाइम होता था। इससे क्या हुआ कि कल जो हमने पढ़ा था ना, आज वो पूरा आँखों के सामने से आ गया। अब मैथ्स रीजनिंग के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आपको, ना ही उनको रिवाइज़ करना है, ना ही करंट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ना ही रिवाइज़ करना, ये सारी चीज़ें नहीं, अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर 10 बजे हमने ब्रेक लिया, चाय पिया है 10 बजे, हम 10:15 बजे आ गए, 10:15 बजे से आज जहाँ से पढ़ना है वो स्टार्ट करती थी, और 10:15 बजे से मैं शुरू हो जाती थी। और फिर हमने जैसे कि 11:30 तक पढ़ा, 11:30 बजे हमने एक टॉयलेट जाया है, हम लोग पानी की बोतल भर लाए, 5 मिनट बाहर ऐसे ही थोड़ा गार्डन सा बना हुआ था उसमें बात करी आए और आ गए 10 मिनट में वापस, है ना। और फिर हम वही की थोड़ी लेट तक पढ़ लेते थे, 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक, फिर खाना खा लिया। अब 1:30 बजे जब खाना खा के, ऐसे 3-4 घंटे अपने सब्जेक्ट के लिए निकल गए, 1:30 बजे जब खाना खा के आए तो फिर है ना थोड़ी देर तो अपना सब्जेक्ट पढ़ा खुद का, है ना। लेकिन जब खाना खा के आते हैं, और मान लो गर्मियों की दोपहरों, मैंने 3 साल बिताए उस लाइब्रेरी में, तो मान लो गर्मियों की दोपहरों बहुत बुरा आलस आता है, तो हम क्या करते थे कि 2:15 तक तो मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, उसके बाद में पढ़नी पढ़ती थी, फिर उसके बाद में मैं और मेरी फ्रेंड थी वो दोनों बैठ जाते थे मैथ्स रीजनिंग करने के लिए। वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही थी और मैं कर रही थी स्कूल लेक्चरर की। बट मैंने कहा ना यार मैथ्स रीजनिंग तो सेम ही होती है, मैं या तो उसकी बुक में से कर लो या मेरी बुक में से कर लो, दोनों मैथ्स रीजनिंग की तैयारी हम 3:30 बजे से, मतलब 2:30 बजे से 3:30 बजे तक हम मैथ्स रीजनिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते, दोनों मिलकर सवाल निकालते थे, है ना। और 3:30 बजे फिर हम चाय पीने चले जाते थे, फिर हम आते थे 15 मिनट में, और आके फिर मैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए और पढ़ती थी। मान लो कि मैं 5 बजे तक पढ़ रही हूँ बस, तो मान लो मैं 4 बजे आई हूँ तो मैं 5 बजे तक अपना सब्जेक्ट और पढ़ती थी, या फिर कभी कभी मैं ऐसे भी फिक्स करके चलती थी कि अब जो आई हूँ ना 4 से 5 बजे उसमें फर्स्ट पेपर का एक चीज़ पढ़ लिया मैंने, जैसे फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया, है ना। 1 घंटा मैं फर्स्ट पेपर को भी देती थी, और वो मैथ्स रीजनिंग भी तो फर्स्ट पेपर का ही हो गया यार। मैं डेली करती थी क्योंकि नींद आती थी उस टाइम पर, इसलिए हम करते ही थे। हालांकि आपको मैं कभी इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती, लेकिन मेरे को ऐसे लगता था कि यार दोपहर निकल जाती है इस चक्कर में, ठीक है, जबकि नींद नहीं पड़ती, और वो करके और फिर 1 घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ के, और 5 से 6:30 तक मैं करती थी पेपर सॉल्व, तो पेपर सॉल्व कर लिया एक दिन का एक। इस तरह से मेरे 6:30 कब बच जाते थे, 8 से लेकर 6:30 तो पता ही नहीं चलता था, है ना। तो आप अपना टारगेट, जो अपना टाइम टेबल है पहले दिन का, वो बना के फिक्स रखिए कि कल मुझे ये चीज़ें इतनी इतनी बजे पढ़नी है। अगर टाइम टेबल फिक्स है तो आपके बैग में वो बुक्स भी रहेंगी और आपके दिमाग पे। हाँ, अगर वीडियो देखना है तो जैसे कि मैं फर्स्ट पेपर की बहुत सारी चीज़ें वीडियो से पढ़ती थी, तो मुझे पता होता था कल साइकोलॉजी का वीडियो लेना है, तो मैं डेटा कभी ऑन नहीं करती थी, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखती थी 5-7 वीडियो, हॉस्टल में ही रात को डाउनलोड कर लेती थी कि इस चीज़ के वीडियो देखने, ताकि वहाँ पे अपना टाइम ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले दिन ही, मतलब पॉइंट नंबर 2 है कि कल क्या पढ़ना है उसके दिन, उसकी पहली रात ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखिए, टाइम टेबल बना के रखिए, ताकि आपका लाइब्रेरी में 1 मिनट भी ख़राब नहीं हो।
तीसरा होता है यार, ये बड़ी सामान्य चीज़ है, पानी की बोतल हमारे सबके पास होती है, हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन हम पीते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि पानी पीने से क्या ही होगा, है ना, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, दिमाग के लिए और वहाँ बैठने के लिए भी। अब ये वाला पॉइंट मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो कहेंगे कि देख खुद ज्ञान दे रही है और पीती तो खुद ही नहीं है। वो मुझे कहेंगे कि तेरी सच्चाई मुझे पता है, तो खुद आधी चीज़ें फॉलो नहीं करती जो बच्चों को कहती है, पर मैं पीती हूँ पानी, अभी भी पीती हूँ। लेकिन ये मैं लाइब्रेरी टाइम की बात बता रही हूँ, अभी भी रोहित को बोल रही हूँ, मैं अभी भी मैं 4 बोतल पीती हूँ, 2 बोतल स्कूल में मैं लेके जाती हूँ और 2 बोतल मैं घर पे आके मेरा फिक्सअप पीती हूँ, तो 4 लीटर पानी तो मैं अभी भी पीती हूँ एक दिन का, और बाकी अपने दूध छाछ और इनमें जो जाता है वो अलग है ना। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, हर 2 घंटे की 1 बोतल ख़त्म कीजिए। मेरी 1 लीटर की बोतल थी, तो जैसे ही हमारा 1 घंटे वाला ब्रेक होता था ना, उससे पहले हम ख़त्म कर देते मैं और रेनू दोनों, है ना, और फिर हम जैसे ही जा रहे हैं तो हम लाते थे उसको। इससे क्या होता है, पानी से है ना, मतलब हमारी ऑक्सीजन फ्लो अच्छा हो जाता है दिमाग में, और जितना ज़्यादा दिमाग का ऑक्सीजन फ्लो सही होगा ना, उतना ही दिमाग फास्ट चलेगा। अगर आप बिना पानी के बैठे हो, कहते हैं कि अगर पानी की ना शरीर में 2% की कमी हो जाए ना, तो हमारा दिमाग है ना 30% काम करना कम कर देता है पानी की कमी से, और वो पानी हमारे पास अवेलेबल है। तो पानी से एक तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तो दिमाग फास्ट काम करेगा, हम थकेंगे नहीं। और सच बता रही हूँ, पानी से आपको एनर्जी मिलती है, एक अच्छी एनर्जी मिलती है। तो अपने पास पानी की बोतल पास में रखिए, और हर 2 घंटे में 1.5 लीटर 1.25 लीटर की बोतल आती है, उसको तो कम से कम खाली कीजिए, है ना, मतलब पानी पीते रहिए, कहने का मतलब ये है। और इससे एक भी होता है, जोड़ों का दर्द भी कम होता है। जो लाइब्रेरी शुरू में मैं जाती थी, और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, जब मैं शुरू शुरू में लाइब्रेरी जाने लगी, वहाँ 6-6 घंटे बैठती थी, तो मतलब शाम तक आते थे मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही होती थी, पूरी बॉडी, हर एक मतलब कोई ऐसा जोड़ नहीं है जो दुख नहीं रहा हो। लेकिन पानी से जोड़ों का दर्द भी कम होता है, और ये चीज़ बाद में मैंने फील करी, पता नहीं मेरी आदत पड़ गई थी या पानी असर कर रहा था, मतलब वो बॉडी में दर्द वर्द होना बंद हो गया था। लास्ट में 6 बजे आती थी, तभी भी इतना कोई बॉडी बॉडी में पेन नहीं होता था, क्यों, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी। 3 टॉपिक्स हो गए, चौथा, फ़ोन कभी भी लाइब्रेरी में डेटा तो कम से कम ऑन नहीं करें। फ़ोन तो ऑन रहेगा, देखो अपने घर वालों की किसी भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई और फ़ोन आ सकता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़ोन को ही ऑफ़ कर दो, फ़ोन अपने पास रखो, लेकिन डेटा ऑन मत करो। अगर आप चाय पीने भी जा रहे हो, तो आप लाइब्रेरी के जो भी आपके दोस्त हैं उनसे बात कर लो, या फिर चाय के थड़ी वाले से ही बात कर लो, लेकिन डेटा ऑन मत करो। क्योंकि डेटा ऑन करने से, अगर हम सोच रहे हैं कि चाय पीते पीते जो 5 मिनट नेट चला ही सकते हैं, वो नेट चलाना, वो व्हाट्सएप पे किसी के मैसेज आए हैं, किसी का कॉल आया हुआ है, वो हमारे लिए मतलब अगला आधे पौन घंटे वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। तो वो सारी चीज़ें, ये खबरें देखना, एग्ज़ाम कब हो रही है, सरकने वाली है कि नहीं सरकने, मैंने आज तक नहीं देखी, किस एग्ज़ाम के लिए हड़ताल चल रही है, कहाँ पेपर लीक हो गए, अरे भाई मत देखो, इन सब से हम डाइवर्ट होते हैं। फ़ायदा क्या हुआ, हमने क्या उखाड़ लिया यार पेपर लीक करने वालों का या एग्ज़ाम सरकाने वालों का, कुछ नहीं कर सकते हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी मेहनत करो, है ना। तो फालतू की खबरें देखना, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वगैरह चलाना, ये सब बंद करो, क्योंकि अगर आपने लाइब्रेरी में डेटा ऑन किया तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उससे। 5वां पॉइंट कि मेरी जितनी मतलब जितनी कोशिश हो सकती है, लाइब्रेरी में तो देखो अगर हो तो टेबल चेयर मिलेगी ही आपको, और अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हो ना, तो बेड पे बैठ कर तो कभी मत पढ़ो, क्योंकि बेड पे बैठ के आपकी कभी भी तैयारी नहीं होगी, अपनी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। क्योंकि मेरा जो भैया है, सबसे बड़े वाले भैया है हम में से, मतलब हम 9 कज़िन्स हैं, उनमें सबसे बड़े जो हमारे भैया हैं वो अभी जिला उद्योग अधिकारी है ना, तो वो कहते थे कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, लेट के पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही टेढ़े होकर पढ़ रहे हैं, तो भैया कहते थे कि बेटा एक तो ये सीधी बोतल है, इसमें पानी जाएगा तो इसमें पानी आसानी से भरेगा, कि एक बोतल आड़ी पड़ी है उसमें पानी भरने की कोशिश कर, उसमें आसानी से जाएगा। तो हम कहते भैया सीधी में, तो बोलता था बस ज्ञान भी ऐसा ही है कि सीधी बोतल में आसानी से जाएगा या आड़े पड़े हुए हो, लेट के पढ़ रहे हो, करवट लेके पढ़ रहे हो, उसमें जाएगा। तो ये चीज़ था मेरे बचपन से, भैया ने बहुत छोटी थी मैं शायद 7th 8th में होंगी तब ये बात कही थी, तब से दिमाग में घुस गई, पढ़ाई करनी है जितनी देर भी करो आप, या तो आपके पास में टेबल चेयर अवेलेबल है उन पे बैठ के करो, अगर वो नहीं है तो आप लोग चाहे ज़मीन पे चटाई बिछा के, दरी बिछा के बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ के कर लो, है ना, लेकिन बेड कभी भी मत पकड़ना। पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह चुनो अपनी, साफ़ सुथरी, और वहाँ पे बैठ के पढ़ो।
और बस 5 पॉइंट हो गए। और छठवा कि यार भूखे पेट मत निकलो, मेरा ये मानना है थोड़ा नाश्ता वास्ता करके निकलो, अगर मतलब लाइब्रेरी भी निकल रहे हो बीच में, अगर आप लंच मतलब लेके जाओ अपना, नाश्ता वास्ता ज़रूरी थोड़ी है अपन बड़े घरों जैसा ही नाश्ता करें यार। मेरे पास तो उस टाइम कुछ भी नहीं होता था, ड्राई फ्रूट भी नहीं होते थे, सर्दियों में मम्मी लड्डू बना के दे देती थी गोंद के, तो सर्दियों में तो नाश्ते का पंगा ही ख़त्म। हालांकि मुझे लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था वहाँ पर, इसलिए मैं लड्डू और दूध खा के निकलती थी, है ना। और मैं लड्डू सिर्फ मुँह में लेके ऐसे 2 बार ऐसे चबा के निगलती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, उसके ऊपर दूध पी जाती थी, लेकिन 3-4 घंटे भूख नहीं लगती थी, है ना। और कुछ नहीं है तो जैसे मैंने बोला, गर्मियों में मेरा नाश्ता होता था दलिया, 6 बजे ही दलिया बना लेती थी, 9 बजे या 8 बजे जब जा रही होती तो उसको छाछ में घोल के पी जाती थी वही दलिया, है ना, उससे भी भूख नहीं लगती और हेल्दी भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप भी कर सकते हो, भूखे पेट मत जाओ, क्योंकि यार जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी उतनी ही एनर्जी खर्च हो रही होती है जितनी अगर एक मजदूर मजदूरी कर रहा होता है, मुझे ऐसे लगता है। बहुत पोटेंशियल लगता है पढ़ने में भी, अगर 6-7 घंटे आपको दिमाग को एक्टिव रखना है तो उसको खाना भी देना पड़ेगा बीच बीच में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता भी करके जाओ। तो मैंने 5 पॉइंट बताए यहाँ पे, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर मेरे सारे वीडियो लंबे ही होते हैं, जो लोग सच में मतलब ठीक है देखना चाहते हैं वो लोग देखो, बाकी स्किप कर दो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि 7 घंटे आपको पढ़ना है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, लंबे टारगेट मत बनाओ, बर्डन मत लो। दूसरा, कल हमें जो पढ़ना है आज ही उसके स्ट्रेटेजी या टाइम टेबल तैयार कर लो। तीसरा, बार बार में पानी पीते रहो ताकि दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो सही हो, दिमाग सही तरीके से काम करे। चौथा था अपना कि टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़े। और पांचवा था अपना, फ़ोन का डेटा बंद रखें, फ़ोन का डेटा कम से कम नहीं ऑन करें, और करें तो बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही करें। आई होप दोस्तों कि पढ़ने के 5 तरीके जो मैंने अपनाए थे अपने मतलब कि स्ट्रगल वाले दिनों में, वो आप लोग भी अपनाओगे। अगर अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं सिकुड़ के बैठी हूँ, शाम हो गई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो आप किस मुद्दे पर चाहते हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। इस वीडियो में क्या कमी लगी, क्या सजेशन सुधार चाहते हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।